शबनम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज मैं ये लेके आई हूँ नेक वार्मर। देखिए ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और बनाने में बहुत इजी। आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो फ्रेंड, और ये पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए बनाते हैं इसे आज। इस नेक वार्मर को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं, और फ्रेंड ये 4-ply नॉर्मल वूल है, और हम इसे डबल करके यूज़ करेंगे। 2 threads एक साथ चलाएंगे, और इसके लिए फिर नीडल यूज़ करेंगे हम 8 number। अगर हमने सिंगल थ्रेड से बनाना होता तो फिर हम 10 number यूज़ करेंगे। अब हम दोनों थ्रेड साथ चलाएंगे, डबल करके मिलाएंगे, तो इसलिए हम 8 number यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की कोई भी वूल लेना चाहते हो या इससे बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस नंबर पर जा कर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये नेक वार्मर के लिए ये मैंने 58 stitches डाल करके दोनों तरफ से गार्टर स्टिच से मैंने इतना बना लिया है। अब मैं बता देती हूँ कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट रो राइट साइड से बनाते हैं। कि ये फर्स्ट रो राइट साइड से, तो जैसे कि हमें दिखाई दे ही रहा है, ये हमने गार्टर स्टिच से बनाया है और पर्ल स्टिचेस बनाएंगे। सारे फंदे इस तरह से हम उल्टे बनाएंगे, इस तरह से ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे। और देखिए ये row 1 है राइट साइड से, सारे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड। फर्स्ट रो के एंड में हूँ, तो यहाँ पर लास्ट स्टिच जब रह जाएगा थ्रेड पीछे करके, इसे मैं इस तरह से स्लिप करूँगी, क्योंकि ये हम चेन जो है देखिए इस तरह से ये बहुत ही स्मूथ बन रही है। और अब हमारी row 2, और यहाँ पर जो हमने स्लिप किया था थ्रेड इधर करके स्लिप करना है हमने, तो ये हम उल्टा स्टिच बनाएंगे। दोनों तरफ हमने दोनों रोज पे लास्ट में ऐसे ही करना है। जब हमारी रो कंप्लीट होगी तो थ्रेड बैक साइड करके हमने स्लिप करना है, और जब हम रो स्टार्ट करेंगे तो इसे हमने उल्टा बनाना है। तो अब row 2 भी हमने पूरी उल्टे फंदों की ही बनानी है, और लास्ट स्टिच जो है वो हम स्लिप करेंगे। तो इसी तरह ये रो उल्टे फंदों की कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब देखिए सेकंड रो के एंड में है, तो यहाँ पर भी जब एक स्टिच रह जाएगा ये वाला, तो हम ये थ्रेड इधर बैक साइड करके और फिर हम इसे स्लिप करेंगे। अब फिर हम यहाँ से ये उल्टे फंदों की रो बनाएंगे, तो दोनों तरफ उल्टे उल्टे फंदे ही बनाएंगे। तो यही 1 और 2 रो रिपीट करते हुए ये लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, हमारा ये इस तरह से ये बन गया है। अब मैं आपको इसकी ब्रेड्थ बता देती हूँ, ये ब्रेड्थ मैंने कितनी बनाई है। और देखिए फ्रेंड ये हमारी 30 centimeters है, 30 centimeters 12 inches से थोड़ा कम है। और लेंथ यहाँ से हम मेज़र करेंगे, और ये हमारी है 46 centimeters 18 inches और 46 centimeters। और अब हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए ये वाला थ्रेड अब हम बैक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमने सीधे स्टिचेस से बाइंड ऑफ करना है। पहले ये 2 stitches लेंगे, इसको फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे, knit 1 एक सीधा बना करके इसके इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। इस तरह से ये सारे स्टिचेस हम बाइंड ऑफ करेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा बनाते जाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करते जाएंगे। ऐसे हम पास ओवर करते जाएंगे। तो ये सारे स्टिचेस मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, तो ये चेन हमारी इस तरह बनती जाएगी। तो ये पूरी रो जो स्टिचेस हैं ये मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ।
देखिए मैंने इसे बाइंड ऑफ इस तरह से कर लिया है और ये थ्रेड स्टिचिंग के लिए छोड़ करके ये मैंने कट कर दिया है। अब हम ये हमारी ये इसकी ब्रेड्थ है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये वाला कॉर्नर पकड़ेंगे, ऐसे लाएंगे और ये वाला कॉर्नर ऐसे लाएंगे, इस तरह से ये कॉर्नर हम इस तरह से रखेंगे। देखिए ये कॉर्नर यहाँ से हम ये ब्रेड्थ वाइज कॉर्नर उठाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, इस कॉर्नर को हम यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर पर ये मैंने मार्कर लगाए हैं। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर और इतना ही हमारा ये वाला है 10 सेंटीमीटर, ये मार्कर जो मैंने लगाया है ये 10 10 सेंटीमीटर पे दोनों। अब हम इन दोनों को यहाँ पर इससे अटैच करके ये स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने थ्रेड कट करके नीडल में डाल लिया है और अब हमने, अगर आप राइट साइड से सिलना चाहते हो और रॉन्ग साइड से, आप उसी हिसाब से ये सिल सकते हो। और ये मार्कर हम इस तरह से ये थ्रेड यहाँ पर नीडल डाल करके इस मार्कर को रिमूव करेंगे और यहाँ से पहले हम इसको इस तरह से पक्का कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम ये स्टिच लेंगे, ये वाला, और उसके बाद इसका फर्स्ट स्टिच लेंगे इस तरह से, फिर हम सेकेंड रो का ये वाला स्टिच लेंगे और इसका ये वाला स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट रो का ये वाला स्टिच लेंगे ये वाला और इसका ये स्टिच लेंगे। तो इसी तरह दोनों के ये हम्प जो है वो लेते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये एक जैसी ये लाइंस बनती जाएगी। इस तरह से बन जाएगा। तो ये मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ। देखिए इस तरह से स्टिच हो गया। अब ये हमारा एक स्टिच रह गया यहाँ पर और अब हमने इसके साथ ये वाला जो हमारी लास्ट चेन थी उसके साथ हम इस तरह से इसको पक्का कर देंगे। अब देखिए ये इस तरह से ये सिल गया है। अब हम इसे यहाँ पर सिक्योर कर देंगे और ये थ्रेड जो है ये भी कट ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसको इस तरह से रखा और अब यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा नेक रहेगा और यहाँ से इस तरह से शेप आएगी और यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ कुछ भी हम लगा सकते हैं, या इस साइड भी लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ये कॉर्नर में हम ये बटन लगा सकते हैं या कुछ भी आप यहाँ पे अपनी पसंद का लगा सकते हो, एक दो अगर छोटे बटन हो तो आप तीन भी लगा सकते हो। तो कुछ भी एक्सेसरी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, सेम कलर की या कंट्रास्ट जैसा भी आप लगाना चाहो। तो मैं इसके ऊपर ये बटन लगाने जा रही हूँ।
तो ये मैं अब लगा लेती हूँ। देखिए ये मैंने बटन अटैच कर लिए हैं और फ्रेंड्स देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और बनाने में इजी, पहनने में कंफर्टेबल। तो फ्रेंड्स बनाइए आप भी इसे। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।